ब्रिटेन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री का किया गया जबरदस्त स्वागत, पीएम ने ट्वीट कर जताया आभार। रामपुर में घरेलू विवाद के चलते युवक ने लगाई खुद को आग, गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती, इलाज के दौरान युवक ने तोड़ा दम। बुलंदशहर में शराब के नशे में धुत युवक से चली गोली, गोली लगने से लैब टेक्नीशियन की हुई मौत, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में पुराने विवाद में दबंगों ने की युवक की पिटाई, अधमरी हालत में युवक को गाड़ी से फेंका, स्थानीय लोगों ने युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। भारतीय समुदाय के बीच पीएम, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड के नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करने के लिए अमेरिका पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी बुधवार को अमेरिका की यात्रा के लिए रवाना हुए थे और ऐसे में सूत्रों से मिली जानकारी है कि पीएम मोदी के विमान ने अफगानिस्तान के ऊपर से उड़ान नहीं भरी, बल्कि अमेरिका तक अपनी नॉन स्टॉप फ्लाइट के लिए उन्होंने पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। ऐसे में सुरक्षा कारणों से यह फैसला लिया गया है। सूत्रों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में पीएम मोदी का भाषण कोरोना प्रबंधन और आतंकवाद, आतंकवाद का मुकाबला, संयुक्त राष्ट्र में सुधार और सुरक्षा परिषद में सुधार पर केंद्रित होगा। ऐसे में भारत में लंबे समय से अपना दावा स्थायी सदस्य के तौर पर पेश करता रहा है, वहीं पाकिस्तान को लेकर भी बातचीत होनी है। आतंकवाद, मानव तस्करी, ड्रग तस्करी में पाकिस्तान शामिल है, ये दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। बता दें, द्विपक्षीय वार्ताओं और क्वाड में चीन को लेकर बातचीत होगी। ऐसे में तमाम देश चीन की दादागिरी से परेशान हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में भव्य स्वागत किया गया, वहीं पर भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। ये चार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की, वहां पर उन्होंने काफी भव्य स्वागत उनका किया। ऐसे में भारतीयों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखे। बता दें, वॉशिंगटन एयरपोर्ट पर भी उनका जोरदार स्वागत किया गया। जो बाइडेन से मुलाकात का इंतजार है अब सभी को, क्योंकि 2 साल बाद प्रधानमंत्री का यह अमेरिका दौरा है और ऐसे में आज अमेरिका में वो कमला हैरिस से भी मुलाकात करने वाले हैं शाम के समय में भारत समय के अनुसार। और ऐसे में बता दें कि 5 कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो सभी की प्रधानमंत्री के इस दौरे पर नजर है। 3 दिवसीय प्रधानमंत्री का यह दौरा है, आज से इस दौरे की शुरुआत हो चुकी है। तो बता दें, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। ऐसे में अमेरिका प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं कल अपनी इस यात्रा के लिए। प्रधानमंत्री भारत से रवाना हुए थे, जिसके बाद आज प्रधानमंत्री भारत समय अनुसार सुबह करीब 3:30 बजे के करीब वो पहुंच चुके हैं और ऐसे में अब आज शाम कमला हैरिस से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। भारत में एक बार फिर से कोरोना मामले एक दिन में 30,000 से ज्यादा सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 31,923 नए कोरोना केस सामने आए, जबकि 242 से ज्यादा संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं 24 घंटे में 31,990 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 349 एक्टिव केस कम हो चुके हैं। ऐसे में कुल कोरोना एक्टिव केस 187 के बाद सबसे कम हुए हैं। बता दें, कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,35,66,000 लोग संक्रमित हुए हैं और इनमें से 4,46,050 लोगों की जान भी गई है। अच्छी बात यह है कि अब तक 3,28,15,000 लोग ठीक हो चुके हैं। ऐसे में देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या करीब 3 लाख है और कुल 3,01,640 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित है, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं केरल की बात करें तो केरल में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 19,675 नए केस सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 45,00,000 से ज्यादा हो गई है और इसके अलावा 142 मरीजों की मौत के साथ मृतकों की तादाद 24,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। वहीं 24 घंटे में 19,702 लोग कोरोना संक्रमण से उभरे हैं, जिसके बाद ठीक हो चुके लोगों की कुल संख्या 43,073,000 से ज्यादा हो चुकी है।
आगरा के बहा थाना क्षेत्र में यमुना नदी किनारे 40 साल के व्यक्ति का शव तैरता हुआ मिला, जिसके बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस से मृतक व्यक्ति के शव की शिनाख्त फिरोजाबाद के थाना नसीरपुर निवासी के रूप में की है और बताया जा रहा है कि व्यक्ति 17 सितंबर से ही घर से लापता हो गया था। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। आगरा के बसौनी थाना क्षेत्र में ट्रक ने मैक्स गाड़ी को टक्कर मार दी। वहीं टक्कर लगने से यात्रियों से भरी टेम्पो भी पलट गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना में आधा दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं घायलों की चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए CSC अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहीं बता दें, मृत व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगरा का पूरा मामला है, जहां पर ये भिड़ंत हुई है। ट्रक ने मैक्स गाड़ी को टक्कर मारी और ऐसे में टेम्पो में सवार कुछ लोग जो हैं वो घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र में महिला अपने खेत से चारा लेने के लिए अपनी बेटी के साथ गई थी और वो खेत में पहले से ही टूटे पड़े बिजली के तार की चपेट में आ गई, जिससे वो बुरी तरह से झुलस गई। और जब उसकी बेटी ने अपनी मां को झुलसता देखा तो शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे आसपास खेतों में काम कर रहे किसान मौके पर पहुंचे और आनन फानन में महिला को गजरौला CSC ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया, पंचनामा भर का महिला शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तमरो का पूरा मामला है, जहां पर खेत में काम करने गई महिला को करंट लग गया, जिससे महिला बुरी तरह से झुलस गई। महिला के साथ उसकी बेटी भी वहां पर मौजूद थी। जब बेटी ने शोर मचाया तो पास के खेतों में काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने महिला को तब तक मृत घोषित कर दिया था। एक में तार टूटा हुआ था, बिजली का उन्हें देखा ना। कब की घटना है? अच्छा, आपको कैसा पता लगा इसके माता जी के बारे में? बहन थी हमारी, वो खेत में थी, इनके साथ थी थोड़ी दूर। जैसे उसकी छोटी वाली बहन ने इन्हें आवाज़ दी कि बोली ना, जब पता चला उसे तो हाथ साफ हो। बिजली का तार पहले से टूटा हुआ था? वो आज ही टूटा किसी टाइम, तो उसके बाद गया था, फिर ठीक था, पानी चला गया। उसके बाद आप इन्हें कहाँ लेकर आए थे? मैं सीधा घर से जब पता चला तो यहीं देखा अस्पताल, सरकारी अस्पताल। तो डॉक्टर साहब ने क्या बताया? मृत घोषित कर दी। हमीरपुर में एक शिक्षा मित्र की तरफ से दो मासूम बच्चों से छेड़खानी का मामला सामने आया है, जिसने शिक्षा विभाग को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। बता दें कि मामला मोधा कोतवाली क्षेत्र का है, जहां प्राइमरी स्कूल में तैनात शिक्षा मित्र धर्मवीर मासूम बच्चियों को बहला फुसला कर स्कूल के शौचालय में ले गया था, जहाँ शिक्षा मित्र ने बच्चों के साथ अश्लील हरकते करना शुरू कर दिया। बच्चियों ने जब शोर मचाया तो आवाज सुनकर आस पास के लोग इकट्ठा हो गए। वही पूरे मामले में विकलांग पिता को दोनों बच्चियों ने शिक्षा मित्र की अश्लील हरकत के बारे में बताया तो पीड़ित पिता ने आनन फानन में कोतवाली पहुंचकर मामले की तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने शिक्षा मित्र को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पूरे मामले की मोधा कोतवाली प्रभारी पवन कुमार पटेल ने बताया है कि मामले में तहरीर मिल चुकी है और शिक्षा मित्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, साथ ही आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। हमारी बच्ची पढ़ती है यहाँ, तो हमारे दो बच्ची हैं, तो उनको पेशाब करने गई तो पीछे से ये पहुँच गया। क्या नाम है उसका? धर्मवीर। क्या किया? तो उनको पकड़ के। कौन है धर्मवीर? मास्टर ले गया उनको, उनके मुँह में उल्टा सीधा करता रहा, चिल्लाती रही, उनका मुँह दाब दिया, दाबे रहा और आँख बंद कर लिया, बस इसी तरह से परेशान किया। वो फिर यहाँ से भाई के मारे घर गई, फिर हमसे बताया। तो आप लोगों ने क्या किया? अभी अभी गए थे थाने, तहरीर दी है। हाँ, क्या आश्वासन दिया पुलिस ने? उसने फ़ोन किया इचौली के चौकी वाले, चौकी वाले आए हैं, कहते जाओ वहीं तुमको स्कूल में मिलेंगे।
मुजफ्फरनगर में एक बार फिर से धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जिसमें थाना सिविल लाइन क्षेत्र की रहने वाली एक महिला शहजादी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि साल 2013 में दंगों के दौरान हिंदू मुस्लिम हिंसा के दौरान शाहजहांपुर के रहने वाले युवक को मुजफ्फरनगर थाना सिविल लाइन क्षेत्र में बंधक बना लिया गया था, जिसे उसी दौरान जबरन धर्म परिवर्तन भी करा दिया गया। पिछले 7-8 सालों से धर्मांतरण कराने वाले लोगों की तरफ से युवक के साथ मारपीट भी की जा रही है। वहीं अब इस पूरे मामले का पड़ोस की रहने वाली शहजादी नामक महिला को जब जानकारी मिली तो शहजादी की तरफ से पूरे मामले की जानकारी हिंदू जागरण मंच के लोगों को दी गई, जिसमें हिंदू जागरण मंच के लोगों ने तुरंत पूरे मामले की सूचना थाना सिविल लाइन को दी, लेकिन थाना सिविल लाइन ने के मौके पर पहुंचने से पहले धर्मांतरण कराने वाले लोगों ने शाहजहांपुर के रहने वाले युवकों को वहां से गायब कर दिया। वहीं महिला की तरफ से भी थाना सिविल लाइन पर पूरे मामले की शिकायत की गई। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो वहीं महिला का आरोप ये भी है कि धर्मांतरण कराने वाले लोगों ने उसके किराए के मकान पर ताला लगाकर उसका सामान भी बाहर फेंक दिया है। जी सिविल लाइन में से ये है कि मैं अभी दो ढाई महीने से यहाँ सनवर्ट में किराए पर रह रही थी, काजी में दे वाली गली में। तो वहाँ से एक लड़का रहा था, बिलान नाम बता रहा था, मतलब इन्होंने रखवा था उसका नाम बिलान, बाकी वो हिंदू का बता रहा था अपने आप को कि मैं हिंदू का हूँ, और इन्होंने मुझे जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। तुम्हें? मैं उस लड़के को, अच्छा, तो मैं जैसे 2013 में जो था मतलब लड़ाई भिड़ाई में यहाँ आके फंस गया था इनके कमरे में, किराए पे मतलब कमरा ले लिया, और उसके बाद इन्होंने मुझे मुसलमान बना दिया जबरदस्ती। अच्छा। और मुझे ना ही तो ये मतलब बाहर निकलने देते, ना मुझे कहीं जाने देते, नमाज पढ़ने भी जबरदस्ती फिर साथ लेके जाए, अच्छा, तो कहीं जाकर तब इनके इसमें जाएगा। थाना सिविल लाइन के सदवट क्षेत्र से एक हमारे हिंदू समाज के भाई का जबरन धर्म परिवर्तन का मामला है। पास के रहने वाली एक शहजादी नाम की महिला द्वारा हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता को सूचना दी गई। उस सूचना की पूरी जानकारी इकट्ठा कर खुलासा करने वाली महिला शहजादी को हम लेकर थाना सिविल लाइन थाने पर आए हैं, और हमारी ये मांग है कि आज से 7-8 साल पूर्व शाहजहांपुर के रहने वाले हमारे हिंदू समाज के हमारे भाई का सरवट के कुछ दबंग किस्म के व्यक्तियों द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, उसका उत्पीड़न किया गया, उसे बंधक बनाकर जबरन अपने यहाँ रखा गया। लगभग कितने साल से बंधक बना रखा? 7-8 साल पुराना यह मामला है, और इसकी जानकारी अभी कुछ दिन पहले हमें हुई थी। पूरे साक्ष्यों के साथ आज हम थाने पर आए हैं, और उस युवक ने अपनी जो पीड़ा थी वो इस शहजादी नाम की महिला को सब बताई थी। जैसे ही आरोपियों को पता लगा कि युवक ने सब कुछ उगल दिया है और आज का पर्दाफाश होने जा रहा है, तो उन्होंने युवक को लापता कर दिया, गायब कर दिया। युवक की सकुशल बरामदी होनी चाहिए। आगरा के कमला नगर थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 24 घंटे में चोरी की वारदात का खुलासा किया है। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बैंक कर्मी के घर पर ज्वेलरी और नकदी चोरी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने 24 घंटे में ही चोरी का खुलासा करते हुए चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बता दें चोर के पास से ज्वेलरी और नकदी भी बरामद कर ली गई है। फिलहाल पुलिस ने चोर को जेल भेज दिया है। जनपद आगरा में थाना कमला नगर अंतर्गत कल पुष्कर कुमार जो कि एक बैंक के एम्प्लॉई हैं, उनके द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया 242/21। उसमें उन्होंने अपने घर पर चोरी होने की बात कही, और इस पर पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने अपने चारों तरफ घेराबंदी कर सूचना तंत्र को एक्टिव कर पता किया और चोर जिसका नाम है करण पुत्र राकेश कुमार को गिरफ्तार किया, और उससे 100% बरामदगी की गई। जो भी सामान चोरी हुआ था वो सभी सामान बरामद किए गए। जो चीज़ बरामद किए गए उनमें है 2 मोबाइल, 1 मंगलसूत्र, 1 जोड़ी पाजेब, 5 जोड़े बच्चे के कड़े, 1 हाथ घड़ी, 1 नीली ट्रॉली बैग और 1 बैंक की चाबी। इसका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है, लेकिन इसके बयानों के मुताबिक इसने पहले भी चोरी की है, तो उन सबको हम लोग खंगाल रहे हैं, देख रहे हैं, उसको विवेचना का पार्ट बनाएंगे। कुछ बता सकते हैं कि क्या जरूरत इसको थी कि चोरी से करनी पड़ी, कोई ऐसी बात? ये पारिवारिक जरूरत के लिए बोला कि चोरी किए थे।
श्रावस्ती के सोनवा थाना क्षेत्र में 2 साल की मासूम बच्ची पास की झाड़ियों में रोती हुई मिली थी। बताया जा रहा है कि बच्चे अपने बाबा के साथ बाहर गई थी और थोड़ी देर बाद वो अचानक वहां से लापता हो गई। बच्ची के परिजनों ने उसकी बहुत खोजबीन की लेकिन उसका कुछ नहीं पता चल सका। रात में कुछ लोगों ने को बच्चे के रोने की आवाज झाड़ियों से सुनाई दी, जिसके बाद लोगों ने बच्चे को झाड़ियों से उठा दिया और परिजनों को मामले की जानकारी दे दी। परिजन उसको अस्पताल लेकर जा ही रहे थे कि बच्ची ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। परिजनों के मुताबिक बच्ची के गालों पर दांतों के निशान बने हुए थे। परिजनों ने पहले ही हत्या की आशंका जताई थी। वहीं SP अरविंद कुमार मौर्य ने कहा कि परिजनों की तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। बता दें, मासूम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो गया है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद हत्या की गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे अपराधी ऐसे जघन्य वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं, जिसकी गिरफ्तारी करने में पुलिस के पसीने छूट जाते हैं। थाना सुनवा क्षेत्र में एक 2 वर्षीय बच्ची का शव बरामद हुआ था, जिसका PM कराया गया था। स्ट्रैंगुलेशन आने के बाद परिजनों के द्वारा एक व्यक्ति को नामित करके तहरीर दी गई, जिसके आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु कई टीमें लगा दी गई। वहीं ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में पुराने विवाद के चलते गांव के ही दबंगों ने युवक को जबरन गाड़ी में डालकर बंधक बनाकर मारपीट की। वहीं पिटाई के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद युवक को अतमरी हालत में गाड़ी से फेंककर दबंग मौके से फरार हो गए। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर युवक का इलाज चल रहा है। मथुरा के वृंदावन कोतवाली के सामने 2 लड़कियों में जमकर हाथापाई का मामला सामने आया है, जहां पर एक लड़की दूसरी लड़की को खींचते हुए थाने ले गई। दरअसल युवती का आरोप है कि उसका पति उसे छोड़कर प्रेमिका के साथ रह रहा है और काफी लंबे अरसे से पत्नी पति और उसकी प्रेमिका को तलाश कर रही थी। काफी ढूंढने के बाद पति की प्रेमिका पति के हत्थे चढ़ गई और दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। पीलीभीत के पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र के BJP विधायक बाबूराम पासवान ने अपने क्षेत्र में कराए गए 4.5 साल के विकास कार्य और उपलब्धियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को गिनवाया है। उन्होंने 4.5 साल में करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराए, तो वहीं 60 करोड़ विधायक निधि से खर्च कर क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में 400 मजरों का विद्युतीकरण भी कराया गया है और अपने विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों की लागत से पुलों का निर्माण कार्य और 171 करोड़ से ज्यादा की लागत से 262 सड़कें, जो 404 किलोमीटर की बड़ी उपलब्धि है। वहीं शुद्ध पेयजल योजना के अंतर्गत 7 गांवों में वाटर टैंक जो चालू हो चुके हैं और 11 गांवों में पानी की टंकियां बनकर तैयार कराई गई है। सबका मैं बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश में 4.5 वर्ष पूरे हुए, जिसके उपलक्ष्य में हमने जो पूरनपुर विधानसभा में विकास कार्य किए हैं उनके बारे में मैं आप लोगों के सामने अपनी उपलब्धियां और भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धियों के बारे में आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं। सबसे पहले विकास कार्यों में हमने विधायक निधि से 6.91 करोड़ से 211 कार्य कराए, विकास कार्य। और पूर्वपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने जो भाजपा का एजेंडा था चुनावी, उसमें 13,783 किसानों का 72.53 करोड़ से अधिक का कर्जा मुक्त किया गया। 404 किलोमीटर नई लाइन जो थी बिजली की ओर डाली गई और 262 सड़कें 1.71 करोड़ 74 लाख की बनवाई गई।
सिद्धार्थ नगर के नौगढ़ ब्लॉक के पनिया में पूर्व प्रधान के बिना काम पूरा कराए ही लाखों का भुगतान कराने का मामला सामने आया है। दरअसल इस गांव में सड़क और ओपन जिम निर्माण का काम सरकारी दस्तावेजों में तो पूरा हो चुका है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं कराया गया। ऊपर से मिली भगत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि बिना काम कराए ही अधिकारियों ने भुगतान भी कर दिया है। इस घोटाले का ग्रामीणों ने जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अब इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों ने बताया है कि बीते साल में पूर्व प्रधान को कई ऐसे कामों का भुगतान सरकारी मद से किया गया है जो गांव में कराए ही नहीं गए, लेकिन सरकारी रजिस्ट्रों में वो काम पूरा दिखाया गया है। वहीं इस मामले को लेकर अब जिला अधिकारी दीपक मीणा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में जरूर आया है और इसकी जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये बात अभी संज्ञान में लाई गई है कि इस टाइप की शिकायत आई है कि इस गांव में कुछ कार्य करवाया गया और जिसका भुगतान हो गया और वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको हम चेक करवा लेते हैं और अगर कहीं भी किसी भी चीज़ में अनियमितता पाई जाएगी तो फिर कार्रवाई की जाएगी। महोदय, ये मामला ये है कि ये यहाँ पर जो है ये जब बन रहा था तो हम ग्राम पंचायत वासियों को ये पता नहीं था कि ये क्या बन रहा है, तो उसके बाद में जब ये बन के कम्प्लीट हुआ 2020 में, तब हमने जब इसका पेपर खंगाला तो पेपर में हमने पाया कि ये जो है ओपन जिम शेड है जिसका 4,76,700 कुछ रुपया निकाला गया। उसके बाद जब हमने इसका कंप्लेन किया तो वर्तमान प्रधान के द्वारा इसे रंगाई पुताई कराना शुरू कर दिया गया 8 तारीख को ये रंगाई पुताई कराना चालू कर दिए। और इसकी जब हमने शिकायत किया IGRS माध्यम से तो उस पर जो है अभी तक कोई जाँच रिपोर्ट नहीं आई। और उसके बाद जो है इस पर जब हमने अधिकारियों से बात किया तो अधिकारी ने कहा कि जो एस्टीमेट के हिसाब से काम हुआ है। महोदय, मैंने इसके जांच किया, जांच के बाद मैं जो है इसके लिए जो है लड़ाई लड़ रहा हूँ। कल अभी ADO ISB साहब आए थे तो उन्होंने रिपोर्ट दिया हमको कि जो है अभी तीन दिवस के अंदर इस पर हम रिपोर्ट लगाएंगे। पूर्व प्रधान द्वारा इस खड़ंजे का फर्जी भुगतान करा लिया गया जबकि यहाँ रास्ता बना ही नहीं, और उसकी शिकायत जब हम लोगों ने IGRS के माध्यम से किया तो खंड विकास अधिकारी नौगढ़ द्वारा भ्रामक रिपोर्ट लगा करके हम लोगों को गुमराह करने का काम किया गया। उसके बाद जब हम लोगों ने पुनः रिमाइंडर डाला तब उनके द्वारा यह रिपोर्ट लगाया गया कि वहां पर मौके पर ईंट गिरा हुआ है, लेकिन यह ईंट जो गिरा हुआ है JK मार्का का है, जबकि इसमें जो बिल वाउचर लगा हुआ है वो दलवीर सिंह भट्टा नगवा का बिल लगा हुआ है, BOK उसका मार्का है जबकि इसका मार्का JK है। और इसी तरह फर्जी भुगतान करा करके उन लोगों का ब्लॉक की मिलीभगत से पूरा पैसा निकाल कर खा लिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।